अच्छा से ही जाएगा उसको, अच्छा नहीं होगी तो जाएगा भी नहीं। ठंडा हुआ डब्बा हुआ अंदर और अभी हम आए हैं होमेक सिटी वन हैप्पी होम में, जहाँ स्नेक रेस्क्यू का कॉल आया था जिसे हम देखने आए हैं। शायद सीमेंट की गोलियों के पीछे वो कहीं घुस गया है, तो आइए देखते हैं कौन सा सांप है। और वीडियो पे बने रहिए, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, आइए अपन सर्च करते हैं। चालू करना पड़ेगा भैया, बुला लो यार खाली को, ये हटाना पड़ेगी बोलिए। आप कौन हटाएगा? किसी को बुलाना पड़ेगा, कहाँ से ले आएंगे उसको? डायरेक्ट भाई बुलाओ, कोई कारीगर वगैरह है ना आपका? कौन है बुलाओ ना, हटना तो पड़ेगा। पत्थर के नीचे घूम गया, पत्थर के नीचे नहीं, हाँ इसके चद्दर के नीचे बड़ा है वो, तो इधर यहाँ से बड़ा है। अंदर होगा, अंदर चलेगा, पूरी हटाना पड़ेगा तभी निकलेगा। इसके पतला इनको फेंक दूंगा, ये नीचे भी ईंटें रखी हुई है, मतलब स्पेस है उसको पर्याप्त। Thank you.
ये दो तीन चार एक बोरी और है, वो चार खींच लोगे तो वो तीन को तिरछी कर देगा, पर वो पत्रे बगैर नहीं होगी। खेचो खेचो भैया, बस पत्रे के नीचे ही बैठा है। पत्रे के नीचे ही होगा कोई मतलब नहीं। नजर तो रखी थी ना उस पर, नजर रखी होगी तो ही होगा वहाँ पर। हाँ यहीं बैठे ना जब। हाँ बस ठीक है, जब से कहीं जमीन नहीं है यार। उसको तो कोना मिल गया ना, वहाँ से कोई नहीं निकला रहा। उसको कोना मिल गया बढ़िया, वहाँ से हिला नहीं, उसको छेड़ेगा नहीं अब तक। इधर भी उधर पास में बैठा हुआ वाली है। हाँ अपन उधर से भी भगाते तो यहीं जाता था। तुम बोल रहा हम लोग आ गया डॉक्टर देव, तुम तुमको देख के इधर से इधर घूम जाओ। हाँ वो इधर था भाई, वो जा रहा था बाहर निकल गया। दिखाओ अंदर घुस गया। अरे दादा सीमेंट की बोरियों का पहाड़ लग चुका है, एक एक बोरी यहाँ से हटाना पड़ा। कभी कभी रेस्क्यू हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट होता है कि जो काम नहीं किया वो भी करना पड़ता है। अब क्योंकि रिस्क है इसलिए ये काम हमें कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी को कोई परेशानी हो, ना ही सांप को, ना ही सांप से किसी और को। तो इसलिए काम करने में हम कभी पीछे नहीं। बने रहिए वीडियो में। बहुत भारी यार, वैसे तो नहीं। अब आ जाना मैं बता रहा हूँ। धीरे हो आगे खेचो, आगे खेचो, आगे इधर आया है। रुको रुको रुको,
रुको एक मिनट रुको रुको रुक जाओ अभी नहीं, पहले उसको देखना पड़ेगा उसको चोट नहीं लगे। रुको 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 कुछ करना मत अभी। कोबरा है बिग साइज कोबरा और आप कोई भी हो आगे होके तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनसे छेड़छाड़ ना करें, छेड़छाड़ करने पर वो छोड़ेंगे भी नहीं। मुंह बाहर निकाल रहा हूँ इधर से दूर रहो दूर। वो बड़ा होने के बाद तो खतरनाक हो जाता है ना। हाँ हाँ मुंह में भाई मुंह आ गया मुंह आ गया। ये ले लो ना डंडा तुम्हारा डंडा चाहिए तो बता दो। हाँ फील कर एक हाथ से पकड़ लो मैं संभाल लूंगा उसको, इस पर ध्यान रखना। अरे एक मिनट रुको भैया ये पत्थर आके पकड़ लो यहाँ से। ये इसके ऊपर आ जाओ खिड़की पे खिड़की पे। हाँ खिड़की पे खड़े हो जाओ। अरे साइड में खिड़की पे खड़े हो जाओ। अरे माथे के ऊपर खड़े में दिक्कत है। खिड़की पे आ जाओ। हाँ ठीक है लो। हटना छोड़ दूं। हाथ बचाना हाथ हाथ बचाना तुम्हारा यहाँ रख दो। अरे वीडियो तो बड़ी शानदार बन जाएगी तुम तो बोला। बाल्टी ला दो बाल्टी दोनों डब्बा लेने का दुकान पे एक एक किलो वाला लगा रही है कितनी ताकत लगा रही है। फीमेल है जो उसका हॉल इधर इधर दिखा ना ये दिखा ये देखो दिख रहा है दिखाओ दिखाओ फीमेल दिखाओ स्पष्ट दिखना चाहिए।
सामने आओ सामने पीछे जाओ थोड़ा पीछे जाओ पीछे दोनों देखिए आप बिग साइज कोबरा है लेकिन सांप कोई भी हो आगे होके नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है जैसा क्यों या वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल स्नेक कैचर इंदौर सब्सक्राइब आप ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आप बुलाएंगे तभी हम आएंगे। ये डब्बा बहुत छोटा है छोटा है हाँ आपने देखा किलो रेडी पीछे हो जाओ पीछे ही रहना यार थोड़ा सा क्यों पानी डालना पड़ेगा डब्बे में ना क्यों गर्म है डालना पड़ेगा गर्मी है ना हाँ पानी थोड़ा सा लिया ना भैया पानी डालेगा डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपने को दुकान तक जाना अभी पौन घंटा और लगेगा उसका लिया गर्मी पड़ेगा चल रहे दादा तो नहीं जाना अच्छा से ही जाएगा उसको इच्छा नहीं होगी तो जाएगा भी ठंडा हुआ डब्बा हुआ अंदर पीछे पीछे समझे भाई इसकी रेंज है 2-3 फीट भैया चार फुट है डाल दो पूरा डाल दो निकाल देना बस मर जाओ इसके दिन पूरे काम करने के लायक दिन हुए को देखने लग गया बाहर आएगा वो क्या बोल रहे हो अब उसको आ गया बच्चा कब से आ गया एंगल दे सही वाला पंगा वाला तो
चलो अपना फाइनल वाला तरीका अपना फाइनली डब्बे में और अब हम पानी डाल रहे हैं डब्बे में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और धूप भी तेज़ है, डिहाइड्रेट ना हो जाए इसलिए हम पानी डाल रहे हैं। कुछ समय के बाद हम ये पानी वापस निकाल देंगे। गर्मी और धूप के कारण डिहाइड्रेट ना हो इसलिए हमने इसमें पानी डाला है। इनका ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।